हेलो फ्रेंड्स, सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा नागदा। मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ऑनलाइन जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसके लिए कुछ क्वेश्चंस जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। मैं मेमोरी के दो पार्ट बना चुकी हूं। मैं आज थर्ड पार्ट क्लियर करवा रही हूं आपको। ये लास्ट पार्ट होगा मेमोरी का। इसके बाद हमारा जो मेमोरी का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज का लेप होता है। तो फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज का लेप होता है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक कोटिंग, ऑप्शन बी है रेड कोटिंग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग और ऑप्शन डी है ग्रीन कोटिंग। तो किसका होता है, मैग्नेटिक कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक कोटिंग क्या है। मैग्नेटिक कोटिंग क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ, ऑप्शन बी मैंगनीज ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ, ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट रिकॉर्डिंग पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ। नेक्स्ट है हमारा, मैग्नेटिक कोटिंग पर अदृश्य भाग क्या होता है। मैग्नेटिक कोटिंग पर अदृश्य भाग क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिस्टिक स्पॉट, और सेकेंड है मैकेनिकल स्पॉट, और ऑप्शन सी है मैग्नेटिक स्पॉट, और ऑप्शन डी है रेयर स्पॉट। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, मैकेनिकल स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मैग्नेटिक स्पॉट पर क्या होता है। तो ऑप्शन ए है डाटा रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी है डाटा डिस्प्ले, ऑप्शन सी है ड्रॉइंग और ऑप्शन डी है प्रोग्रामिंग। तो इसका जो आंसर है वो है डाटा रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होती हैं। फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास बैकअप रखने के लिए, ऑप्शन बी कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। दोनों कौन से, देखिए दोनों में क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि बैकअप रखने के लिए भी, और बी क्या हो जाएगा, कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो हमारा आंसर है दोनों, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल किस साइज की फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग हो रहा है। तो आजकल जो है किस साइज की फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग हो रहा है, 5.25 इंच और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब फ्लॉपी ट्रैक में विभाजित हो जाती हैं और ट्रैक्स सेक्टर में बढ़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, जब फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित हो जाती हैं और ट्रैक्स सेक्टर में बढ़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फॉर्मेट होना, ऑप्शन बी नॉन फॉर्मेट होना, ऑप्शन सी सेक्टरीकृत होना, ऑप्शन डी पाथ। तो इसका आंसर है फॉर्मेट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट करने के बाद मीडिया पर जो व्रत बनते हैं, फॉर्मेट करने के बाद मीडिया पर जो व्रत बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो फॉर्मेट होने के बाद जो व्रत बनते हैं उसे वैसे ट्रैक कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन है हमारे पास, सुनिए, ट्रैक पर इंच, ऑप्शन बी टाइम पर इंच, ऑप्शन सी टोटल प्रोसेसिंग इंच, ऑप्शन डी ट्रायल पर इंच। तो आंसर क्या है, ट्रैक पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीआई किस चीज को दर्शाता है। टीपीआई किस चीज को दर्शाता है। ऑप्शन ए है फ्लॉपी की क्षमता को, ऑप्शन बी ट्रैक की क्षमता को, ऑप्शन सी सेक्टर की क्षमता को, ऑप्शन डी पाथ की क्षमता को। तो आंसर है हमारा फ्लॉपी की क्षमता को। टीपीआई किसको दर्शाता है, फ्लॉपी की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग के घनत्व को, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग की गति को, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग में लगे समय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है रिकॉर्डिंग के घनत्व को। किसको, रिकॉर्डिंग के घनत्व को। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती हैं। फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 16.31/2 इंच वाली फ्लॉपी में सिंगल साइडेड डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है। तो इसकी क्षमता होती है 310 KB यानी कि किलोबाइट, 310 किलोबाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क हेड क्या होता है। डिस्क हेड क्या होता है, तो हमारे पास ऑप्शन है कंडक्टिव कॉइल, हॉट कॉइल, सॉफ्ट कॉइल, हार्ड कॉइल। इसका आंसर क्या है, कंडक्टिव कॉइल। क्या होता है, कंडक्टिव कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड क्या करता है, हेड जो है वो क्या करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है डाटा पढ़ने और लिखने का काम करता है, ऑप्शन बी केवल पढ़ने का काम करता है, ऑप्शन सी नेतृत्व करने का काम करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर है वो है डाटा पढ़ने और लिखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंचेस्टर डिस्क क्या है, तो ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी सॉफ्ट डिस्क, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑप्शन डी सर्कुलर डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विंचेस्टर डिस्क कैसे, तो विंचेस्टर जो डिस्क है वो हार्ड डिस्क है। क्या है, हार्ड डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या विंचेस्टर डिस्क को ड्राइव से अलग किया जा सकता है, तो जी बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विंचेस्टर डिस्क में डाटा एक्सेस की दर कैसी होती है, धीमी होती है कि एक जैसी होती है कि बहुत तेज होती है या मध्यम होती है। तो जो आंसर है वो होता है कि बहुत तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डिस्क पैक में कितने हेड लगे होते हैं, एक डिस्क पैक में कितने हेड लगे होते हैं। ऑप्शन है ए है एक, ऑप्शन बी है चार, ऑप्शन सी है कई, ऑप्शन डी है एक भी नहीं। तो देखिए बहुत सारे हेड लगे होते हैं इसके अंदर, तो कहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड के लिए किसका प्रयोग करता है। ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है उच्च शक्ति लेजर किरण, न्यून शक्ति लेजर किरण, एक्सरे या कॉस्मिक किरण। तो इसका जो आंसर है वो है उच्च शक्ति लेजर किरण। क्या हो जाएगा, उच्च शक्ति लेजर किरण। तो फ्रेंड्स ये हम मेमोरी का जो थर्ड पार्ट है वो भी हम क्लियर कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट था मेमोरी का। इसके आगे हम आगे के चैप्टर्स के पार्ट देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू गाइज़।